bit to me about what currently you're doing and what have you done before? बेसिकली हमने जो होस्ट कराया है ये हमने स्टार्ट की थी 2018 में. यस सर. चार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे हम लोग. जी सर. और एक इनक्यूबेशन सेंटर था यूनिवर्सिटी के अंदर ही. जी सर. उन्होंने हमें अपने पास थोड़ी सी जगह दे दी थी. शुरू में हमने कुछ क्लाइंट्स लिए जिनके साथ हम काम करते रहे और हमने साथ में कुछ और भी अपने वेंचर्स शुरू कर दिए थे होस्ट कराए के साथ साथ. जी सर बिल्कुल. और जी सर. कुछ दोस्त जो मेरे थे उन्होंने बाकी वेंचर्स को संभाल लिया. जी सर. और मैं होस्ट क्राइ की तरफ आ गया. जी. और अब होस्ट क्राइ पे मैं बिल्कुल अकेला काम कर रहा था. मेरे साथ और कोई भी नहीं था शुरू में. जी सर. और तकरीबन 2 साल तक मैं होस्ट क्राइ पे अकेले काम करता रहा. जी सर बिल्कुल. फिर इवेंचुअली कुछ स्ट्रगल के बाद मैंने अपना पहला क्लाइंट जो है वो हायर किया. जी सर. सॉरी, पहला एम्प्लॉई मैंने हायर किया. जी सर. एंड उसके बाद कुछ ऑफिस स्पेस ली और बस बिल्कुल एक छोटा सा जो ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने बिल्कुल एक छोटा सा जी सर स्टार्टअप जो है वो शुरू कर दिया था. बिल्कुल बिल्कुल. आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8 to 9 एम्प्लॉइज हैं होस्ट क्राइ के अंदर. जी अल्लाह का शुक्र. एंड थिंग्स आर गोइंग वेल नाउ. That's great sir. It sounds perfect. Sir, अगर मैं आपसे पूछूं कि how did you got this idea of starting Host Cry, या फिर इसका जैसे नाम आपने ये रखा हुआ है तो how did you choose this sir? ये idea basically है किसका था कि ये start करें आप? Yes. तो एक्चुअली आइडिया मेरा ही था. हमने होस्ट क्राइ से पहले एक स्टार्टअप शुरू किया था तो उसमें एक्चुअली हम बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैंडल कर रहे थे. जी सर. तो जो होस्टिंग वगैरह हम ले रहे थे वो हम दूसरी कंपनी से ले रहे थे. जी सर. तो फिर इवेंचुअली हमने अपना सर्वर जो है वो रख लिया. जी सर. हमने अपना सर्वर रजिस्टर कर लिया और उसको उसके ऊपर हम काम करने लगे. Yes, तो फिर उस सर्वर के ऊपर काम करते करते थोड़े सर्वर हमने बढ़ाए, 2-3 सर्वर हमने बढ़ाए और इवेंचुअली फिर हमने सोचा कि अगर हमने अभी सर्वर्स रख लिए हैं और हम एक चीज कर रहे हैं तो क्यों ना इसको पब्लिकली भी करें, ना कि सिर्फ अपने जो हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं उनको ही हम ये सर्विस प्रोवाइड करें, सबको करें. ठीक है. तो नाम जो था वो हम सोचने लगे कि नाम क्या रखना चाहिए इसका. तो एक्चुअली मैं चाहता था कि नाम इसका कुछ इस तरह का हो कि जो एक बार बंदा सुन ले वो दोबारा मतलब उस नाम को भूल ना सके. जी बिल्कुल. बहुत सारे नाम जो थे वो मैंने एक लिस्ट बनाई. जी सर. और चेक करते रहे कौन से नाम हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं और परफेक्ट नाम कौन सा है. कुछ लोगों से मैंने जब इस नाम को बताया कि ये नाम है तो एक्चुअली वो भी काफी कंफ्यूज हुए कि ये किस तरह का नाम है. लेकिन जिन जिन को मैंने वो नाम बताया था वो आज तक वो नाम भूले नहीं है. जी सर. तो इट्स एक्चुअली गुड थिंग कि जिसको एक बार ये चीज पता चल जाती है वो भूलता नहीं. बिल्कुल बिल्कुल सर. आई एक्चुअली अप्रिशिएट ऑन यू ऑन दिस बिकॉज़ ये नाम काफी काफी अट्रैक्टिव और काफी एज इन सेंसिबल सा लगता है. Yes. जी अच्छा सर. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होस्ट क्राइ में जो है वो क्या एक ऐसी यूनिक आपको फैक्टर लगता है, जैसे कहते हैं कि हर बिजनेस की जो है एक USP होती है, ठीक है, और उस USP की वजह से जो है आप अपने कंपेटिटर से जो है वो अलग दिखते हो, तो क्या ऐसी USP है होस्ट क्राइ की? यस यस. तो हमारी जो है वो प्राइसिंग है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कस्टमर्स के लिए. बिल्कुल. क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के बाहर काम कर रही है ज्यादा. पाकिस्तान के अंदर बहुत कम वेब होस्टिंग की कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तानी पेमेंट सॉल्यूशंस एक तो प्रोवाइड कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं वो पेमेंट सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा है. जी सर. प्राइसिंग उनकी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें एक एज था शुरू में ही, क्योंकि सर्वर्स तो हमने रखे हुए थे, हम ऑलरेडी उनको यूज कर रहे थे, उनका जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो तो थे ही. इस वजह से हम उनकी प्राइसेस जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते थे. जी सर. तो ये एक प्राइसिंग है जो हमारी सबसे हमारा जो सबसे पहला पैकेज है स्टार्टर प्लान, उसकी प्राइस है 99 रुपीज पर मंथ.
जी सर तो कोई भी जो है वो इजीली अपनी एक वेबसाइट जो है वो लाइव कर सकता है और उसका एक ठीक हो गया बिल्कुल सर। जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, तो आपने कभी क्यों नहीं एज इन कभी आपके माइंड में आया हो कि मैं भी जो है वो बाहर शुरू करता हूँ या कुछ इस तरह का? तो एक्चुअली हुआ ये कि होस्ट क्राई जो है वो स्टार्ट तो हमने पाकिस्तान में की है, जी सर लेकिन बिल्कुल ये इस तरह का जी ये इस तरह का काम है कि ये सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड नहीं रह सकता, क्योंकि इंटरनेट है, हाँ जी इंटरनेट तो एक पूरी दुनिया एक विलेज के तौर पे। मैंने कहा कि हम अभी जो है होस्ट क्राई को बाहर लॉन्च करने लगे हैं, बाकी कंट्रीज में भी लॉन्च करने लगे हैं इंशाल्लाह जल्द। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर एज अ फाउंडर ऑफ सच अ स्टार्टअप होस्टक्राई, तो सर क्या डिफिकल्टीज जो है आपको फेस करनी पड़ी, या फिर जैसे होता है ना हर किसी से ये सुनते हैं और एक्सपीरियंस तो इसी चीज से आता है कि पहले काफी ज्यादा फेलियर्स होते हैं, फिर यू गेन समथिंग ऑब्वियसली, और फेलियर्स के बाद ही आपको असल पता चलता है कि आपके अंदर क्या स्किल है जिसको आप यूज करके तो आप जो है आगे बढ़ सकते हो। तो क्या वो फेलियर्स या क्या वो डिफिकल्टीज थी जो आपने फेस की? एक्चुअली शुरू में मैंने आपको बताया कि जब हम चार दोस्त थे जिनका ये एक स्टार्टअप था, जी तो सर तब सारे अलग अलग अपने अपने वेंचर्स पे चले गए, तो मैं बिल्कुल एक मतलब सिंगल पर्सन एक कंपनी रन कर रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल तब ऐसा हुआ कि रात को मैं सो नहीं सकता था, जी सर मैं 4-4 बजे तक क्लाइंट्स की क्वेरीज को आंसर करता रहता था। कोई प्रॉब्लम हो जाए, जी नई सर न्यू ब्लॉग पोस्ट डालनी हो, हाँ मार्केटिंग करनी हो, कंपनी जी जो भी सर करना हो, वो सारा कुछ अकेले मैं हैंडल कर रहा था। जी सर तो अभी इतना हो गया है कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो जो कस्टमर की क्वेरीज हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन शुरू में मैं बहुत मतलब रिटर्न भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था कंपनी से, बिल्कुल और मैं बिल्कुल एक टूटी हुई कश्ती चलाने की कोशिश कर रहा था इस तरह के बिल्कुल सर आई दौर, टोटली अंडरस्टैंड। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी बेहतर हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको आई स्टक टू इट एंड आई जी सर आपको क्या लगता है कि होस्टक्राई की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये है कि किस तरह होस्टक्राई जो है वो आज की यूथ को जो है मोटिवेट और इंस्पायर करता है, या फिर इन फ्यूचर जो है किस तरह कर सकता है? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है, मैं मतलब एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी और सर बात यह कि अगर आप अपनी पूरी कोशिश किसी चीज़ की तरफ करते हैं, किसी चीज़ की तरफ लगाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें सीखी हैं कि मैंने आज तक जिस चीज़ के ऊपर भी कोशिश की है और उसको मैंने करने की कोशिश की है, और जी अपना सर 100% अगर किसी चीज़ को मैंने दिया है, तो मुझे 100% उसका रिटर्न उस चीज़ का लाजमी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अपनी पूरी कोशिश किसी चीज़ की तरफ करते हैं, तो ये हो ही जी नहीं सकता कि उसको आपको रिटर्न ना मिले उस चीज़ का। सर लेकिन लेकिन जैसे आपने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना कोई खास अच्छा नहीं है, या जो भी है मिडिल क्लास है बेशक, लेकिन डू यू रियली थिंक के बैकग्राउंड जो है वो मैटर करता है? बिकॉज नहीं, मैंने तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल मैं यही एक्चुअली पॉइंट जो है वो बैकग्राउंड हाँ जी मैं सुनना एक्चुअली ये पॉइंट चाह यस रही थी, बिकॉज आपने कहा ना कि अच्छा नहीं है, तो आई रियली फेल के नहीं बैकग्राउंड तो यू नो डजेंट मैटर। मैं जी, इट डजंट मैटर। मैं सिर्फ ये इस वजह से कहना चाह रहा था कि कुछ जो हमारी एज के जो यंग जनरेशन है हमारी, जी सर वो उनका यही ख्याल है कि हम सिर्फ जॉब की तरफ जाते हैं, और जो ही हम ग्रेजुएट होते हैं हम जॉब ढूंढने लग जाते हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ही हमने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था, जी और सर उसके ऊपर हमने मेहनत की, और आज हम अच्छी एक अर्निंग कर रहे हैं उससे। तो बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ सक्सेस फॉर मी। अल्लाह का शुक्र है सर, दैट्स ग्रेट के इतनी ऑब्वियसली यंग एज में जो है आप, क्योंकि पहले तो मैंने सर जैसे अब पहले पुराना जमाना था तो उधर तो कभी भी नहीं था सुना कि इतनी यंग एज में जो है इतना कोई किसी कोई अचीव कर ले, लेकिन आज आज तो ये है कि आजकल तो यंगस्टर्स जो है वो काफी कुछ कर रहे हैं। तो जी सर व्हाट इफ आई आस्क यू अबाउट होस्टक्राई फ्यूचर प्लान्स, कि क्या आप किस तरह जो है फ्यूचर में और जो है वो यूथ को ही जैसे कि कह लें, बिकॉज हमारा मेन टारगेट जो है वो ऑब्वियसली यूथ ही होती है,
तो ये है कि किस तरह आप जो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं जिससे जो है वो इंस्पायर हो सकें। हमारा एक्चुअली शुरू से ही, पहले दिन से ही हमारा टारगेट जो था वो स्टार्टअप्स पे था, जी सर, कि जो पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं हम उनको टारगेट करें जी सर, और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि वो अपनी वेबसाइट्स की प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी जो स्टार्टअप के अंदर बाकी जो हजार परेशानियां होती हैं जी उनके ऊपर सर, फोकस कर सकें। ये परेशानी हम उनसे लेना चाहते थे, तो जी सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 2 लाख वेबसाइट्स हैं हम हैंडल कर रहे हैं, जी सर, और मोर देन 2 लाख हम एक सिंगल प्लेस हो जहाँ पे बस उनकी जो है वो हेल्प की जाती हो। जी तो मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू द यूथ के जैसे हमने ये काफी है, ऑब्वियसली मैं भी यूनिवर्सिटी में, मैंने भी काफी ये चीजें देखी हैं कि साथ जो लोग पढ़े होते हैं उनसे पूछो कि आगे क्या प्लान है, तो सर या मैम कोई भी पूछे तो दे लाइक कि हमने बाहर जाना है, इसके बाद हमने बाहर जाके काम करना है या बाहर सेटल होना है ये वो, तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू द यूथ के उन्हें वाकई में ये स्टेप उठाना चाहिए या फिर उन्हें अपने मुल्क में रहकर जो है वो कुछ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। एक्चुअली आई बिलीव के जितनी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं जी सर, उतनी और कहीं भी नहीं है, वाकई क्योंकि में, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जी सर, बिल्कुल, और यहाँ पे अगर आप अगर बाहर जाते भी हैं तो वहाँ से आप कुछ आइडियाज जो वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं जी सर, व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाएं, वहाँ पे जाके आप देखें लोग क्या कर रहे हैं जी सर, और बिल्कुल उसको आके आप अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करें, एंड इट सर, विल वर्क। अगर उधर काम किया उसने तो इधर भी काम करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली, जी तो सर, जितनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अभी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उतनी बाहर मौजूद नहीं है, या वो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जी, ठीक इट्स द है, बेस्ट प्लेस, अगर आप अभी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पाकिस्तान जो है वो बेस्ट प्लेस है स्टार्ट करने बेस्ट के प्लेस लिए। है, बिल्कुल बिल्कुल जितनी सर, भी मुझे कंपनी भी यही जी, रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं, हाँ जी, और आप अपनी कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, जी सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है आजकल। अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं और बिल्कुल वो कर सकते बिल्कुल, हैं। ऑल वीडियोज आर अवेलेबल, तो आपको कुछ भी ऑब्वियसली जो है वो प्रॉपर कहीं यस जाके सीखने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बंदा इतना कुछ अब सीख जाता है सर। तो फिर इफ आई आस्क यू कि आपका क्या सजेशन है इस पे, कि आपको क्या रीजन लगता है कि लोग कहते हैं कि नहीं फिर भी हमने जो है वो बाहर ही जाना है, और ये कि वो बाहर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली अट्रैक्टिव सैलरीज हैं, पहली तो जो वजह मुझे लगती है वो यही है पैसे, कि अट्रैक्टिव बिल्कुल सैलरीज हैं भाई ऑफ बिल्कुल कोर्स, और लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो थोड़े हाई हैं उनके, और लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज इस वजह से कम है कि जॉब्स पाकिस्तान के अंदर बहुत हैं। अगर आप एक स्किल्ड जी, पर्सन वाकई में हैं, जी सर, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो जॉब्स तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल, यूथ की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो यूनिवर्सिटी से निकलने के, वो ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें जो सिखा दिया है बस इसके बाद हम बाहर निकलेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी की भी प्रॉब्लम है कि उनको भी थोड़ा अप टू डेट होना चाहिए, जी सर, दुनिया के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जी सर, ये एक प्रैक्टिकल तालीम आप हासिल कर रहे हैं, इसके बाद आपने बिल्कुल या जॉब करनी है या आपने अपना कोई बिजनेस करना है, तो सर, ये आपको कम अज कम इस तरह की मिलनी चाहिए कि जिसके बाद आप यहाँ पे हमारी जितनी भी हम स्टडी करते हैं शुरू से लेके जब छोटे होते हैं, बचपन से लेके जब बड़े होते हैं, जो भी पढ़ते हैं हमें कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप अपना बिजनेस किस तरह शुरू करें या आप पैसे किस तरह कमाएं। हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, जी हमें ये चीज़ सर, सिखाई जाती है कि आप किस तरह किसी के एम्प्लॉय किस तरह बनते हैं, आप जी सर, एम्प्लॉय किस तरह बना जाता है, बस ये चीज़ सिखाई जाती है। ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपना बिजनेस किस तरह करेंगे, आप पैसे किस तरह कमाएंगे, या अगर बिल्कुल, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जी वो हमें सर, नहीं सिखाई जाती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अगर जी वो नहीं सिखाई बिल्कुल, जाएंगी तो फिर लोग जॉब्स ही करेंगे, और जॉब्स के जी लिए सैलरीज जो बिल्कुल, बंदों को मिलेंगी वो बाहर से ही मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर से नहीं मिलेंगी, तो जी बिल्कुल ये बिल्कुल वजह मुझे। जी, परफेक्ट सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन
ये कि क्या एक मैसेज है जो आप यूथ को जो है वो अपनी तरफ से देना चाहते हैं रिगार्डिंग व्हाट एवर आपने जो है अभी तक अचीव किया है, व्हाट एवर फेलियर्स आपने फेस किए हैं, जो भी डिफिकल्टीज आई हैं और अब जो सक्सेस आपको मिल रही है, और जैसे आपने आगे जो है वो एक ये अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो है वो मैंने कभी भी अगर अपनी लाइफ में किसी चीज में 100% मैंने दिया है, ठीक है, तो ये है कि मुझे पॉजिटिवली उसका उसकी तरफ से गेन मिला है, तो क्या एक लास्ट मैसेज है रिगार्डिंग दैट आप जो यूथ को देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज मेरा ये है। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि होस्टक्राई जल्द ही एक चीज़ लॉन्च करने लगी है। जी वो सर, ये है सर कि जितने भी पाकिस्तान के स्टार्टअप्स हैं हमारे, बिल्कुल हम उनको अपनी सर्विसेज फ्री में देना चाहते हैं जी कुछ सर टाइम के जी लिए, ताकि अगर वो शुरू में आए हैं, अभी ही उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, बिल्कुल सर तो वो आए हमारे पास, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमसे बात करें कि भाई हमने अभी अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और बिल्कुल हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपना स्टार्टअप जो है वो चला सकते, जी सर तो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं और भी अगर हम कोई बिजनेस रिलेटेड उनकी हेल्प कर सकते हैं वो तो जी हम करेंगे, जी सर और जो हमारी अपनी सर्विसेज हैं वो उनके लिए कम्प्लीटली शुरू में फ्री होंगी, तो ये मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल और उसके जी अलावा जो मैसेज की जहाँ तक बात है, तो मैसेज मेरा यही है कि हमेशा जो है, अब अगर जो भी आप कर रहे हैं जिंदगी में, जिस बिल्कुल जगह पे भी आप हैं, तो ये मत सोचें कि अगर मैंने ये किया ना हुआ तो क्या होगा, जी ना सर ना वाली तो ऑप्शन होती नहीं है इंसान के पास। जिंदगी बिल्कुल इंसान बिल्कुल को एक बार मिलती है, तो क्यों ना अपना जिंदगी का 100% अगर एक चीज में बंदा लगा दे, जी अगर कामयाब हो गए तो ये भी सोचें कि अगर कामयाब हो गए तो जिंदगी भी बन सकती है आपकी, बिल्कुल तो आप हमेशा हर चीज में जो है अपना 100% लगाएं। जी सर मैं ये कह रही हूँ। दूसरी चीज जो बिल्कुल कंसिडर यूथ को मेरे लिए करनी चाहिए वो ये भी है एक तरह से कि जैसे एक बंदा कोई बिजनेस शुरू करता है उसको वहां से ज्यादा गेन मिलता है, सारे उसी तरफ भाग पड़ते हैं कि इसको गेन मिला है हमें भी मिलेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो राधा एग्जैक्टली, दिन दिस के आप इस चीज के पीछे भागो, यस आपको यस ये होता चीज है। जी आपको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके अंदर कौन सी स्किल है, उसको ढूंढें और जो है उसको सामने लाएं, उसके ऊपर काम एग्जैक्टली करें। जी एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल हमें एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इस तरह होता है कि एक होटल समझ ले खुल गया कहीं पे, और उनके पकोड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो हो गए जी इवेंचुअली ऐसा होगा कि आसपास 3-4 उसी नाम से दुकानें हाँ खुल जी बिल्कुल जाएंगी, सर यही होता है जी जी बिल्कुल यही सबसे होता है पहले सर वाले मशहूर पकोड़े। हाँ जी तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी, तो हाँ जी वो भी आप देखेंगे कि जो फिर भी जो जिसने वो चीज स्टार्ट की होती है वो उस चीज जी का माहिर होता है, हाँ जी और बिल्कुल ज्यादा जो है वो काम उसी के पास होता है। काम उसी के पास होता है सर, बिकॉज मेन बेस बेस तो वो मेन उन्हीं ने बनाई है ना ऑब्वियसली, बाकी तो ये है कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आप अगले को देख के काम शुरू कर सकते हो लेकिन आप चला नहीं सकते ना फिर उसको, जाहिर बात है चलाने की भी तो स्किल्स चाहिए हो ना, तो वो तो सिर्फ उसी बंदे के पास है जिसने अपनी अपनी इंटरेस्ट से शुरू किया है। जी ऐसे बिल्कुल ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही जी होता है। आप कहीं दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल सर लेकिन अगर यही आप बात समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हाँ अगर जी कोई बंदा बिल्कुल और कर रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ जी अगर नहीं सर आप कर ये सकते हैं तो जरूर गो फॉर इट बिल्कुल और कर दो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सर इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई इंशाल्लाह इंशाल्लाह होस्क्राई जो है वो और ज्यादा जो है वो सक्सेस गेन करे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और सर मैं ये भी श्योर, चाहूंगी बिकॉज इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू फिर, तो मैं ये भी चाहूंगी इंशाल्लाह कि जब होस्ट क्राइज और सक्सेस उसको मिल जाए तो मैं दोबारा आपका इंटरव्यू जरूर करूं, और यू नो आई कुड आस्क यू द डिफरेंस जो है अभी में और जब आप हाँ फ्यूचर अभी में का और इंशाल्लाह और तब, गेन करेंगे। यस, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच थैंक यू। अपने इस इतने प्रेशियस टाइम के लिए, एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेलकम थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक हाफिज। यू मच, अल्लाह हाफिज़।